सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? काफ़ी बढ़े हो। तो गाइस आगे ही बढ़े हैं। तो गाइस क्या अभी आज आपने व्हाट्सएप को ओपन करे हो? तो गाइस व्हाट्सएप के ऊपर आपको हमारे चैनल का आइकन शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको कहीं पर भी चैनल का ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर मैं अपने व्हाट्सएप को प्ले स्टोर में जाकर यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं व्हाट्सएप लिख देता हूँ तो गाइस यहाँ पर मैं जैसे कि देखता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को व्हाट्सएप पर अपडेट आ रहा है। जैसे यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा तो वहाँ पर मेरे को चैनल का आइकन शो हो जाएगा। तो गाइस आप कैसे उस चैनल को हटा सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा, जैसे कि पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा आप हटा सकते हो या हटा नहीं सकते हो, तो कैसे हटाना होगा, कब हटेगा, तो गाइस सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस चलो बिना देर में विश करते हो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप पर कहीं पर भी चैनल का ऑप्शन अभी तक नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सएप को जैसे कि प्ले स्टोर में जाके अपडेट नहीं किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर रहे हो या तो गाइस प्ले स्टोर से ऑल एप्लीकेशन अपडेट कर दिया तो गाइस आपको यहाँ पर चैनल का आइकन आ रहा है। तो गाइस आप उसको कैसे हटा सकते हो? तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका जैसे कि कोई भी चैनल या तो गाइस जैसे कि यहाँ पर आप देख चैट स्टेटस, यहाँ पर कॉल जा रहा है, तो गाइस ये ऑप्शन को मैं हटा नहीं सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख स्टेटस, अभी आप जैसे कि चैनल और गाइस स्टेटस सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर आप देख स्टेटस ऊपर आ रहा है तो गाइस चैनल भी उसके साथ साथ साइड में आ जाएगा, तो गाइस उसको आप हटा नहीं सकते हो। तो गाइस यहाँ पर मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, दूसरे फ़ोन पर भी जाके देखा और गाइस यहाँ पर मैंने जाके गूगल पर जाके भी सर्च किया जैसे कि व्हाट्सएप के चैनल को कैसे हटाए। तो गाइस वहाँ पर विकिपीडिया पर मैंने जाके देखा तो गाइस उन्होंने बताया कि ये फिक्स है। जैसे कि व्हाट्सएप कंपनी जो भी है तो गाइस वो हटा सकते हैं, आप नहीं हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कुछ दिन के लिए ऑफर नहीं आया, ये एक जैसे कि अभी टेस्टिंग चल रहा है, काफ़ी बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटी को ये जैसे कि चैनल का ऑप्शन मिल रहा है। तो गाइस आप भी अपना जैसे कि प्ले स्टोर में जाके व्हाट्सएप को अपडेट करते हो तो गाइस आपको भी चैनल का आइकन मिलेगा, लेकिन आप उसको हटा नहीं सकते हो। जैसे कि यूट्यूब पर अभी सब्सक्राइबर यहाँ पर नोटिफिकेशन ये जो भी है तो गाइस आप इसको हटा नहीं सकते हो ना, ऐसा ही है व्हाट्सएप का भी ये चैनल का एक आइकन है। जैसे कि यहाँ पर चैनल का एक टाइप चलेगा, जैसे कि इंस्टाग्राम पर यहाँ पर काफ़ी ज़रा जैसे कि रील्स लाइक कॉमेंट फॉलोअर्स ऐसा मिलता है। तो गाइस जो फॉलो का ऑप्शन आप हटा सकते हो नहीं ना, इंस्टाग्राम जो भी कंपनी है तो गाइस वही हटा सकता है ना फॉलो के जगह में। जैसे कि अभी फेसबुक मेटा लेके आ रहा है, मेटा इधर उधर, तो गाइस आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो गाइस आप लोग एक ही काम कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और गाइस यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर जाना है और गाइस व्हाट्सएप पर जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा नीचे जाना, तो गाइस यहाँ पर आपको जैसे कि रिव्यू देना है, जैसे कि आपको कैसा लग रहा है व्हाट्सएप। तो गाइस वहाँ पर आप जाके बोल सकते हो जैसे कि व्हाट्सएप के चैनल के ऑप्शन को आप हटाओ, तो गाइस काफ़ी स्पैम हो जाएगा तो गाइस व्हाट्सएप उसको हटा लेगा। तो गाइस वही तरीका है, या तो गाइस दूसरा कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं है व्हाट्सएप के चैनल का आइकन हटाने की। हर एक वीडियो पर सही तरीका बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको इधर उधर घुमा के बात नहीं करता हूँ। तो गाइस वही तरीका है, आप जैसे कि यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके यहाँ पर जो भी रेटिंग होता है यहाँ पर आपको रिव्यू देना होता है, तो गाइस वहाँ पर आप जाके बोल सकते हो व्हाट्सएप के चैनल का ऑप्शन आप हटाओ, या तो गाइस उसको आप अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा आप बोल सकते हो वहाँ पर जाके, और गाइस व्हाट्सएप कंपनी देखेंगे तो गाइस आपका रिव्यू जैसे कि आप स्पैम कर देते हो तो गाइस उसको हटा देंगे। तो गाइस वही तरीका है।